हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प रिव्यू, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी न्यूट्रीजेना ब्राइट बूस्ट जेल क्रेम का रिव्यू, जो कि एक न्यू लॉन्च है फ्रॉम न्यूट्रीजेना एंड दिस इज़ नॉट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों के साथ मेरे इंस्टा पर शेयर किया था। अगर आप मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो करते हैं देन यही मेरा इंस्टा हैंडल, ज़रूर मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा। यू गेट टू पीक इन टू माई पर्सनल लाइफ इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा। टब पैकेजिंग में ये आता है एंड ये 50 ग्राम्स का है एंड दिस इज़ रियली कॉस्टली। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें इसे खरीदने से पहले, क्योंकि इतना अमाउंट खर्च करने के बाद अगर ये काम नहीं करेगा देन बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं ऑनेस्टली शेयर करूँगी। सो लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। टब पैकेजिंग में आता है जो कि ज़्यादा हाइजेनिक नहीं है, बट हाँ इट वर्क्स प्रॉपरली क्योंकि ये कन्वीनियंट पैकेजिंग है, ट्रैवलिंग के वक्त ईजी हो जाता है एंड ऑल्सो यूजर फ्रेंडली भी है। जेल क्रेम है तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्टली सूटेबल है। इट इज हेविली हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो ऐसा नहीं कि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये जेल क्रेम है तो ये ऑयली स्किन टाइप के लिए भी परफेक्ट है। ऑयली स्किन टाइप ऑफ पीपल के लिए सिर्फ इसे इस्तेमाल करने से आपका फेस एकदम सॉर्टेड हो जाएगा, बट फॉर ड्राई स्किन पीपल आपको इससे पहले शायद कोई सीरम वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस जेल क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। बट आई पर्सनली लव यूजिंग दिस, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा हीवी मॉइस्चराइजर्स पसंद नहीं है, मेरी स्किन ड्राई है। स्टिल अगर मैं हीवी मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ तो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ, तो इसीलिए आई ऑलवेज गो फॉर दीज काइंड ऑफ जेल क्रीम्स जो कि हाइड्रेटिंग भी है एट द सेम टाइम ज़्यादा हीवी नहीं है। इसे मैं एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल करने की सोच रही थी, तो रात को जब मैं इसे इस्तेमाल करने गई देन आई सॉ दैट इसके अंदर ना छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स है। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, दैट्स रियली ग्लिटर पार्टिकल और नॉट, बट अगर ग्लिटर पार्टिकल्स है देन ओवरनाइट आपके फेस पर ये रहेगा तो ये आपके फेस को हार्म कर सकता है एंड ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इसे दिन में अप्लाई करती हूँ एंड इट प्रोवाइड्स अ वेरी नाइस ग्लो ऑन योर फेस। एकदम नेचुरली फेस ग्लो करता है और ऑयलीनेस भी नहीं देता, बट योर फेस जस्ट ग्लोज फ्रॉम विद इन। डेली बेसिस पर हम लोग मेकअप नहीं करना चाहते, उस टाइम सिर्फ इसे थोड़ा आप अप्लाई कर कीजिए अपने फेस पर एंड फेस नेचुरली ग्लो करेगा। तो उस पर्पज़ के लिए ये एकदम परफेक्ट एक जेल क्रेम है। ये तो आप नाइट क्रेम की तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लिटर पार्टिकल्स है वो पूरी रात आपके फेस के ऊपर रहेगा, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर योर ओन फेस। तो इसीलिए आप इसे दिन में इस्तेमाल करें और एज अ मॉइस्चराइजर एज अ डे क्रीम इट इज़ परफेक्ट। ये 50 ग्राम्स का है विच रिटेल्स फॉर 1240 रुपीज़। सो यू बेटर नो योर पर्पज एंड देन बाय दिस वन। ऑल्सो ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका पर मिल जाएगी। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है कि आप इतना ज़्यादा अमाउंट इसके ऊपर खर्च करें या ना करें। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर टू प्रोवाइड दैट सटल ग्लो ऑन योर फेस। जेल बेस्ड है सो लाइट वेट है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।